नमस्कार, अखबार जगत में आपका स्वागत है। स्कूली शिक्षा को लेकर इंदौर जिला शिक्षा अधिकारी ने कोरोना काल में कई तरह के नए आदेश जारी किए हैं, जिसमें स्कूल संचालकों से बच्चों की पढ़ाई नहीं रोकने और फीस को लेकर नए निर्णय के साथ आदेश जारी किए हैं। कोरोना के समय में फीस जमा नहीं करने पर किसी भी विद्यार्थी का स्कूल से नाम नहीं खारिज करने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग के आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि यदि बच्चे की फीस जमा नहीं होती है तो स्कूल से उसका नाम नहीं हटाया जाएगा, उसे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी टेस्ट या परीक्षा से विद्यार्थी को वंचित नहीं करने के आदेश इंदौर जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किए। यदि स्कूल इन नियमों को तोड़ता है या अवहेलना करता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। वो आदेश जारी करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि कमिश्नर सर ने बैठक ली थी कल, उसमें कलेक्टर सर भी थे और वरिष्ठ अधिकारी जिले के थे तो पालक भी थे। तो पालकों ने शिकायत की थी कि कोविड के कारण हम फीस नहीं भर पा रहे हैं, हम आगे कभी भी भर देंगे, हमें रियायत दी जाए। तो उस सिलसिले में आदेश जारी हुआ है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस ना भरने के कारण किसी भी बच्चे का नाम नहीं काटे, है ना, उसको ऑनलाइन अगर उसकी पढ़ाई हो रही है तो ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित ना करें। यदि स्कूल बच्चों के टेस्ट ले रहे हैं या एग्ज़ाम ले रहे हैं तो उनको टेस्ट और एग्ज़ाम से भी वंचित ना करें, इसलिए वो आदेश जारी किया। सर, अगर कोई स्कूल अगर नहीं मानता उस पर, चूँकि मध्य प्रदेश शासन ने भी आदेश जारी किया इस संबंध में कि ऐसे स्कूलों के विरुद्ध कोई ज़रूर कार्रवाई की जाए जो अनावश्यक रूप से बच्चों को फीस ना भरने के कारण या लेट फीस भरने के कारण परेशान कर रहे हैं। ऐसी जब शिकायतें आएंगी तो हम विधिवत उनकी जांच करवाएंगे, अगर स्कूल का दोष पाया जाएगा तो कार्रवाई हो जाएगी। मैं नरेंद्र जैन हूँ, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय इंदौर।